हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर हेमराज महावर, जिन्होंने कई बार रिक्वेस्ट करके जानना चाहा है कि क्या राजस्थान में भी लोकोशेड हैं, अगर हैं तो कितना है, कितने लोकोमोटिव हैं और इनमें से बड़ा सेट कौन सा है। तो आज के वीडियो में हम राजस्थान में स्थित सारे लोकोशेड के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते होंगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कीजिएगा। बाकी लोग तो अपना प्यार दिखाते ही हैं। दोस्तों, राजस्थान जिसे कि राजाओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि इंडियन रेलवे के नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के अंडर में आता है। इतने बड़े क्षेत्रों में फैले होने के कारण यहाँ टोटल रेलवे ट्रैक्स की लंबाई 5,449 किलोमीटर है, जिसमें से 2,575 किलोमीटर ब्रॉड गेज हैं और 2,874 किलोमीटर मीटर गेज की लाइनें शामिल हैं। इसके अलावे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइनें भी यहाँ से होकर गुजरती है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, इतने लंबे क्षेत्रों में फैले रेल ट्रैक्स, जिन पर ट्रेनों का आवागमन भी बखूबी अच्छे से होता होगा, जिसे पुल करने का काम लोकोमोटिव जी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, ये जो लोकोमोटिव जी होते हैं ना, वो बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि इतने भारी भारी सामान और यात्रियों को बड़े प्यार से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बीमार भी पड़ते होंगे। इसीलिए रेलवे ने इनकी बीमारी को ठीक करने के लिए राजस्थान में तीन जगहों पर लोकोशेड की स्थापना की, जहां लाकर इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसमें से पहला है डीजल लोकोशेड भगत की कोठी, जो कि जोधपुर डिवीजन में स्थित है। दूसरा है अबू रोड डीजल लोकोशेड, जो कि अजमेर डिवीजन में स्थित है, और तीसरा है डीजल लोकोशेड फुलेरा। दोस्तों, अब बारी बारी से तीनों के बारे में समझते हैं। डीजल लोकोशेड भगत की कोठी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा लोकोशेड है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, जहां पर पहले मीटर गेज के लोकोमोटिव का मेंटेनेंस किया जाता था। बाद में गेज कन्वर्जन के बाद यहां 1997 से ब्रॉड गेज के लोकोमोटिव का मेंटेनेंस किया जाने लगा। दोस्तों, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की पहली ISO सर्टिफाइड भगत की कोठी लोकोशेड में वर्तमान में 133 से ज्यादा एल्को WDM2, WDM3D लोकोमोटिव, WDG3A एंड EMD लोकोमोटिव को देखा जाता है। दूसरा है अबू रोड लोकोशेड, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, जहां पर मीटर गेज के लोकोमोटिव का मेंटेनेंस किया जाता था। बाद में गेज कन्वर्जन के बाद 1998 से ब्रॉड गेज के लोकोमोटिव यहां पर देखा जाने लगा, जहां वर्तमान में 85 से ज्यादा WDM2 लोकोमोटिव, WDG3A लोकोमोटिव को होल्ड किया जाता है। तीसरा है डीजल लोकोशेड फुलेरा, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, जो कि मीटर गेज लोकोमोटिव के लिए बनाया गया था। यहां पर आज भी मीटर गेज के लोकोमोटिव को ही मेंटेनेंस किया जाता है, जहां पर वर्तमान में 25 लोगों को रखा जाता है और उनकी मेंटेनेंस की जाती है। दोस्तों, इस तरह से देखा जाए, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान में एक भी इलेक्ट्रिक लोकोशेड नहीं है, यानी कि सारे के सारे लोकोमोटिव डीजल ही हैं। इस तरह से आज के वीडियो में आपने राजस्थान में स्थित लोकोशेड के बारे में जाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो से इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।